लोकसभा चुनाव 2024 में चुने गए युवा सांसदों में जहां पुष्पेंद्र सरोज, संजना जाटव, प्रियंका सिंह का नाम है, तो वहीं कतार में एक और नाम भी शामिल है जो नाम है प्रिया सरोज। महज 25 साल 5 माह की उम्र में यूपी के मछली शहर से समाजवादी पार्टी से सांसद चुने जाने की पूरी कहानी बयां की, जिसमें युवा सोच और जनता का अपार समर्थन है। प्रियंका सरोज से सभी सवालों के साथ साथ शादी कब होगी इसका भी सवाल पूछा गया था, तो इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। पहली बार चुनाव लड़कर मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज कहती हैं, राजनीति में आकर जनसेवा करना उनका बचपन का ख्वाब था, जो अब साल 2024 में 25 साल की उम्र में पूरा हो गया। पिता को 3 बार सांसद व 1 बार विधायक बनते देखा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर जनता की सेवा करनी है। पिता के सांसद होने की वजह से इनके बचपन सांसद आवास दिल्ली में ही बीता। सांसद प्रिया सरोज ने अपनी पढ़ाई भी दिल्ली से ही पूरी की। राजनीति में कदम रखने से पहले जानबूझकर एलएलबी की, ताकि कानून की अच्छी से समझ हो सके। पत्रकार से खास बातचीत में जब पत्रकार ने उनसे शादी को लेकर सवाल पूछा, तो प्रिया सरोज ने कहा कि इसका फैसला पिताजी के हाथ में है, इसका जवाब वही बता सकते हैं। एक बार फिर बता दें कि अखिलेश यादव प्रिया सरोज को समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से मछली शहर से टिकट दिया था, और प्रिया सरोज को अपार जनसमर्थन मछली शहर में मिला और जीत कर संसद पहुंची। देश की सबसे युवा सांसद महिला सांसद है।